अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह फिट फाट होंगे। बिल्कुल फिट फाट होंगे। अच्छा बेटा, देखें 3.2 के तकरीबन फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके हैं, और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। ओके, नेक्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर। अच्छा, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो सिंपल क्वेश्चंस आपके करने वाले होंगे वो मैं नहीं करूँगा, कुछ असाइनमेंट भी तो मिलनी चाहिए ना आपको, तो वो इंशाल्लाह क्वेश्चंस आपने ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इसके बाकी पार्ट जो हैं वो आपने करने हैं। बिल्कुल आसान है बेटा, बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है आप पे इंशाल्लाह अब कर लेंगे। हाँ, अगर आपसे नहीं होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह हम ज़रूर वो भी करवा देंगे। ओके, चलें बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अच्छा बेटा, अब देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 लिखा हुआ है कि ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2 AB प्लस बी का स्क्वेयर। बेटा स्टेटमेंट पहले पढ़ दूं, स्टेटमेंट लिखी है इफ ए एंड बी आर स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल बोथ्स आर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल। अच्छा बेटा, मैट्रिक्स के केस में आपने याद रखना है, इन जनरल जब हम आमतौर पर बात करते हैं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती है। चले पहले स्टार्ट करते हैं, साथ साथ हम बातें करते रहते हैं, बातें तो हमारी जारी रहेंगी, ठीक है? अच्छा देखें क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्केयर। ए प्लस बी के होल स्केयर को क्या मैं लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। बिल्कुल। अच्छा बेटा, ए को ए से ठा करें क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर। ए को बी से ठा करें क्या आ जाएगा, ए बी। बी को ए से ठा करें, बी ए। बी को बी से ठा करें, बी स्क्वेयर। ओके, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही आ रहा है। मैट्रिक्स के केस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, लेकिन याद रखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ये सेटिस्फाई कर जाती है, लेकिन जब हम आमतौर पर बात करते हैं मैट्रिक्स के केस में ये सेटिस्फाई नहीं करती है। अब देखें बेटा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो सम होगा वो भी इक्वल नहीं होगा किसके, 2AB के। नहीं समझ, दोबारा देखें बेटा, ए बी और बी ए मैट्रिक्स के केस में आपस में इक्वल नहीं होते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। जब ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है तो इन दोनों का सम 2AB के इक्वल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, देखो बेटा ये सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, ए बी प्लस बी ए है, हमने क्या कहा ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इन दोनों का सम भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ ये दोनों इक्वल है, मतलब क्या होगा, जहाँ पे बी ए लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2AB। लेकिन ये किस केस की बात की है, जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, अभी इक्वल नहीं है, तो मतलब दोनों का सम 2AB के इक्वल नहीं होगा। तो देखें बेटा, अगर इन दोनों का सम 2AB के इक्वल नहीं है, ये दोनों किसके इक्वल नहीं है, 2AB के, तो मतलब क्या होगा बेटा, ए स्क्वेयर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वेयर, मतलब ये जो हम वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये भी इक्वल नहीं होगा इसके, क्योंकि इसका आंसर तो 2AB आ ही नहीं सकता, तो नहीं आएगा तो इक्वल नहीं होगा। बेटा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा सुन लें, इस क्वेश्चन में बच्चे घूम जाते होते हैं, ठीक है, इस वजह से अच्छे से सुन लें। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। ओके, ए को ए से ठा किया ए स्क्वेयर, ए को बी से ठा किया ए बी, बी को ए से ठा किया बी ए, बी को बी से ठा किया बी स्क्वेयर। इन जनरल दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, जब इक्वल ही नहीं होते हैं तो सम भी 2AB के इक्वल नहीं आता, जब सम भी 2AB के इक्वल नहीं आता तो ये कब इसके इक्वल आ सकता है, ये इसके इक्वल ही नहीं आ सकता। ये किसके इक्वल आ सकता है, ये इसके इक्वल आ सकता है, लेकिन इसके इक्वल नहीं हो सकता। ओके, उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट इसका पार्ट 2, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2AB प्लस बी का स्क्वेयर। देखिए बेटा, अगेन इसी पैटर्न से हम सॉल्व करेंगे, हम क्या कहते हैं कि ए माइनस बी जो है इसका होल स्क्वेयर, क्या मतलब है बेटा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों का मतलब हमारे पास यही है। अब देखें मल्टीप्लाई करें ज़रा, अब मल्टीप्लाई करें, ए को ए से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, ए को ए से ठा करें ए स्क्वेयर, फिर ए को बी से ठा करें ए बी, बी को ए से ठा करें
बी ए माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा सेम वही कॉन्सेप्ट है बच्चों वाला, देखें जरा क्या करेंगे हम, क्या कहेंगे यहाँ पे, शाबाश, ए बी माइनस ए बी इज नॉट इक्वल टू माइनस बी ए। और चीतियो समझ आ रही है, देखो माइनस नहीं भी लिखोगे यार एक ही बात है, ठीक है चले माइनस लिख भी दें टेंशन तो नहीं है ना कोई, ओके दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब इक्वल ही नहीं है शिदादो तो इसका मतलब इन दोनों को हम जब सम करेंगे वो किसके इक्वल नहीं होगा, माइनस टू ए बी। अगर ये इक्वल होते तो इस बी ए की जगह पे क्या लिखते, ए बी फिर ऐड होके आ जाना था, अभी इक्वल नहीं है तो जब ये आपस में ही इन दोनों का सम माइनस टू ए बी नहीं है तो ये कैसे हमारे पास इसके इक्वल हो सकता है, माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपस में इक्वल नहीं है। बेटा दोनों आपस में इक्वल नहीं है, सम भी माइनस टू ए बी के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है, यही तो प्रूव करना था अल्लाह के बंदो, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट नंबर थ्री। बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी नॉट इक्वल टू, अगेन बेटा वही काम करेंगे, वही पंगा लेंगे जो पहले करते आए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गौर कीजिएगा बेटा, बिल्कुल फोकस होना चाहिए आपका। देखें अगर ए को ए से ठा करें क्या आता है, ए स्क्वायर, ए को माइनस बी से माइनस ए बी, बी को ए से ठा करें बी ए, बी को माइनस बी से ठा करें माइनस बी स्क्वायर, ओके हो गया। इन जनरल पुल्ला नहीं रट्टा ला लो यार, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। देखो बेटा जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो क्या मैं इन दोनों का सम करूं वो जीरो आ सकता है, कभी भी नहीं बेटा, सम हमेशा उनका जीरो आता है, सॉरी डिफरेंस कह लें ठीक है, या ऑपोजिट साइन के साथ आप कह दें, हमेशा उनका जीरो आता है जो सेम हो लेकिन ऑपोजिट साइन। बेटा ऑपोजिट साइन तो हैं लेकिन ये दोनों आपस में सेम नहीं है, तो इसका मतलब इनका सम कभी भी जीरो नहीं आ सकता। जब सम जीरो नहीं आ सकता तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू शिदादो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते तो इसके इक्वल नहीं है। किसके इक्वल, किसके है इक्वल, इसके है, इसके इक्वल नहीं है। अच्छा अब नेक्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर सेवन। अब सेवन यार ये मैं नहीं करवाऊंगा बिल्कुल भी, ए की वैल्यू गिवन है, प्रूफ क्या करना है हमने, ए इंटू ए ट्रांसपोज, यार ऐसे नहीं करो। ये देखो जरा बेटा, ए ट्रांसपोज लें, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए को रखें फिर ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर एट स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर एट है क्या, क्वेश्चन नंबर एट हमारे पास लिखा हुआ है 3 टाइम्स x माइनस 2 टाइम्स a इज इक्वल है b के। अब बेटा a की वैल्यू भी गिवन है, b की वैल्यू भी गिवन है, फाइंड हमने करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, x फाइंड करना है, ओके अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले इसको, 3x इधर ही रहने दें क्योंकि x फाइंड करना है, b प्लस 2 टाइम्स a, पहले b की वैल्यू लिखते हैं, b की वैल्यू बताइएगा ज़रा, b की वैल्यू बेटा क्वेश्चन से लिखनी है, वो लिखा हुआ है 2 माइनस 3 और 1, 5 4 और माइनस 1 प्लस 2। बेटा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 3 और माइनस 2 माइनस 1 1 और 5 अब देखें बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस 3 1 5 4 और माइनस 1। बेटा 2 को मल्टीप्लाई करें ज़रा, शाबाश क्या आएगा, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, फिर माइनस 4, 2 माइनस 2 आर माइनस 2, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10। बेटा दोनों को ऐड करें ज़रा क्या आएगा, 2 में 4 ऐड करें 6, माइनस 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा 3, 1 प्लस माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 3। बेटा 5 में माइनस 2 ऐड करें 3, 4 प्लस 2 6, माइनस 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा 9। ये किसका आंसर आया बेटा, 3x का आंसर आया, लेकिन हमें किसका चाहिए शिदादो, हमें तो x का चाहिए ना, x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, इस पूरी वैल्यू को 6 3 पूरे मैट्रिक्स को और माइनस 3 3 6 और 9 इन सब को किससे डिवाइड कर दें, 3 से, तो 3 को डिवाइड करें हर एक
एलिमेंट के साथ डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें 2, इससे डिवाइड करें 1, यहाँ से -1, यहाँ से बेटा 1, शाबाश 2 और 3, ये हमारे पास आंसर आ गया बड्डे वाले x का। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपके ज़िम्मे है, मुझे आप पे पूरा पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह करेंगे, फट्टे चुक देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा स्टार्ट करें। 9 का पार्ट ए और पार्ट बी बेटा दोनों सेम ही हैं, तो एक मैं कर देता हूँ पार्ट 1, वो लिखा हुआ है। अच्छा, अब पार्ट 1 पार्ट 2 बेटा दोनों ही आते हैं, ठीक है, तो वो हाँ आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं, सेम पैटर्न से हैं हमारे पास, 4, 3, 2 और 2, ए माइनस 2, 3 माइनस 1 और माइनस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, बहुत तेरी खैर, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा -1, -4, 3 और 6। अब हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है बेटा, इसमें में आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहा होगा, अल्फ़ाबेट ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, करेंगे क्या, 4, 3, 2, 2, ए वैसे ही रहने दो। अब देखो बेटा ये वाला मैट्रिक्स किसके साथ है, माइनस के साथ है, अब बताएं ज़रा मुझे, जब इसको हम शिफ्ट करेंगे इक्वल के दूसरी साइड पे, तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पूरा मैट्रिक्स प्लस हो गया, 2, 3, -1 और -2। बेटा एलिमेंट्स के साइन चेंज नहीं होंगे, इस मैट्रिक्स का साइन चेंज होगा फिलहाल। अब देखें -1 + 2 क्या होता है, 1, -4 + 3 1, 3 + -1 2, 6 + -2 क्या आ जाएगा, 4, ये आ गया 4, 3, 2 और 2, ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स। बेटा आपको शक्ल देखी देखी लग रही होगी, बिल्कुल देखी देखी लगनी भी चाहिए आपको, क्योंकि चैप्टर 3.1 में हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ओके, एक आंसर फाइंड करना, लेट कर लेते हैं, पहले वाले को बी कह दिया, फिर ए कह दिया, सी आ गया, बेटा बी पहले है तो उधर जाके भी क्या होगा, पहले ही आएगा, तो बी का फॉर्मूला बताएं ज़रा, शाबाश हरी, अब जल्दी से एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटरमिनेंट, सी आ गया, बी का डिटरमिनेंट, जल्दी से, टाइम नहीं लगाना आपने, जल्दी से बी का डिटरमिनेंट क्या आएगा, बी यही है ना, ओके, बी का डिटरमिनेंट आ जाएगा 4, 3, 2, 2, ओके, 4, 3, 2 और 2, 4, 2 = 8, -2, 3 = 6, 8 - 6 = 2, तो ये क्या आ गया, बी का डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट चाहिए किसका, इसी का एडजॉइंट, ओके, एडजॉइंट ऑफ बी, बेटा एडजॉइंट में क्या करते हैं, दोनों की जगह चेंज करते हैं, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, -2 और -3। अब फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, ए इज इक्वल आएगा, देखिए बेटा फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट और सी, एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, 2 - 3 - 2 और 4, डॉट सी की वैल्यू क्या है बेटा, 1, 2 और 4, और सबके नीचे हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू जो कि अभी फाइंड किया है 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले बताएं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, बार बार मैं बोलता हूँ ताकि आपको रिवाइज रहे बेटा। अब देखें फर्स्ट वाले में कॉलम कितने हैं, 2, सेकंड वाले में रोज कितनी है, 2, मतलब सी आर है था इसको कर सकते हैं। अच्छा करेंगे कैसे, रो को कॉलम के साथ, ओके देखें रो को कॉलम के साथ, 2 को 1 से करें 2 प्लस, -3 को इससे करें -6, 2 × 1 = 2 प्लस, -3 को करें -12, अच्छा -2 को 1 से करें -2 प्लस, 4 को 2 से करें 8, -2 को 1 से करें -2 प्लस, 4 को 4 से करें 16 ओवर, बेटा सबके नीचे क्या आ रहा है, 2 है। अब देखें अब हमारे पास एक किसकी इक्वल आएगा डायरेक्ट बेटा, 2 - 6 क्या होगा -4, 2 - 12 क्या होगा -10, -2 + 8 क्या होगा 6, यहाँ से सॉल्व करें क्या आ जाएगा 14, 16 - 2 = 14 ही होगा ना, तो ये क्या आ गया, डिवाइड करेंगे 2 से, तो एक इसकी इक्वल आ गया बेटा -2, -5, 3 और 7, डिवाइड कर दिया हर एक एलिमेंट के साथ, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंट दे देता हूँ आपको कि करना कैसे, a into 3, 1, 4, 2
माइनस माइनस वन टू थ्री और वन इज इक्वल है टू ज़ीरो वन और फाइव। बेटा सेम उसी पैटर्न से है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं घबराना, मेरे होते हुए बिल्कुल नहीं घबराना स्पेशली, ठीक है। अच्छा अब इधर देखें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं हूँ, ठीक है। ओके अब इधर देखें, ये आ गया a इन टू थ्री वन फोर और टू, बेटा ये माइनस में है। ओके इक्वल के उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पर जाके प्लस में हो गया, माइनस वन टू थ्री और वन, दोनों को ऐड करें ज़रा क्या आ जाएगा, टू में वन माइनस वन, टू प्लस माइनस वन वन, जीरो में टू ऐड करें टू, वन में थ्री ऐड करें फोर, फाइव में वन ऐड करें सिक्स, तो ये आ गया ए इंटू थ्री वन फोर और टू। अब बेटा लेट कर लें, नाम दे दें, ये ए है इसको बी कह दें, इज इक्वल टू इसको सी कह दिया, आंसर किसका फाइंड करना है, ए का आंसर फाइंड करना है, तो ए इधर पहले है तो इधर जाके भी पहले ही आएगा, गुड हो गया। अब ये किसका हमारे पास वैल्यू आ गई है, b इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी। अब देखें बेटा ये आपकी असाइनमेंट है आज के लिए, अब कैसे a इनवर्स का फॉर्मूला बता दें ज़रा, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट और c एज इट इज, डिटरमिनेंट फाइंड करें, नॉट इक्वल टू जीरो आए तो एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करें, c से मल्टीप्लाई करें, हर एक वैल्यू से डिवाइड करें, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अल्लाह पाक के फजलो करम से बेटा आज हमारी 3.2 जो है वो इख्तिताम हो गई है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए जोश के साथ नई एक्साइटमेंट के साथ हाजिर होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी बेटा, अल्लाह हाफिज़।